लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उनका बड़ा बयान आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली है और तेजस्वी यादव के द्वारा यह आरोप लगाने पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराब बेचने का काम करवाते हैं, इस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से रगड़ दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को आप लोग क्यों गंभीरता से लेते हैं, तेजस्वी यादव के किसी बात को गंभीरता से नहीं लीजिए। जी हां, ललन सिंह पत्रकारों से ये बात बोलते हुए नजर आए हैं और कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से मत लीजिए उनकी बातों को। कितना दिन पहले हम लोगों के साथ थे, कितना गुणगान करते थे, अब जब गए हैं उनका बस काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता सब समझ रही है तेजस्वी यादव के माता पिता ने 15 साल बिहार की क्या दुर्दशा करके रखी है और आज भी उनके मन में यही कल्पना है, इसीलिए तेजस्वी यादव के बातों को गंभीरता से नहीं लीजिए। इसके साथ ही साथ जो है ओसामा साहब जो है आज आरजेडी का दामन थामा है, इस पर ललन सिंह ने कहा कि अच्छी बात है, ये उनको दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको किसको ला रहे हैं, दोस्त हैं कौन कौन और हमको जो है दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है ललन सिंह करते हुए नजर आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तेजस्वी यादव आप लोग से ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि शराब बेचवाने का आप लोग काम करते हैं। भाई तेजस्वी यादव जी को बार बार हम कहते हैं कि उनको क्यों गंभीरता से आप लोग लेते हैं। तेजस्वी यादव जी की किसी बात को गंभीरता से मत लीजिए। अभी कितना दिन पहले तक हम लोगों के साथ थे, तो कितना गुणगान करते थे, अभी का जब गए हैं तो उनको सब ये उनका काम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि तेजस्वी यादव जी के माता पिता ने 15 साल बिहार का क्या दुर्दशा करके रखा था और आज भी उनके मन में वही कल्पना है, तो इसलिए तेजस्वी यादव जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। अच्छी बात है, उनको जिसका जिसको मन करे वो कर ले। अब ये उनका दर्शाता है कि क्या कर रहे हैं, वो किसको किसको ला रहे हैं, तो दोष हमको दे रहे हैं और काम वही कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे हैं पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? उनसे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? इतना लंबा समय तक बिहार में राज किए, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किए, भ्रष्टाचार में सजा हुई, ये साबित हो गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद बोल रहे हैं, तो क्या करिएगा इसका? तेजस्वी यादव ने जेडीयू का नया नामकरण कर दिया है, जहां अनलिमिटेड दारू। फिर उनका फिर वही बात कर रहे हैं, उनको कहे का गंभीरता से लेते हैं। जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से, और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके मंत्री हैं नीरज कुमार, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। उनको भेजा गया है तो उनसे ना पूछिएगा, वो जवाब देंगे। चार सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, सब सीट जीतेंगे हम लोग। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव। तो आपने सुना कि ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने के लिए मना किया है पत्रकारों को। इसके साथ ही साथ जो है जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि पाखंडी हैं बीजेपी के नेताओं पर जो आरोप लगाया था, इस पर ललन सिंह ने कहा है कि लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी इस देश में नहीं है, उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। देश में इतना लंबा समय तक बिहार में राज किया, भ्रष्टाचार का इतिहास कायम किया, भ्रष्टाचार में सजा हुआ, ये साबित हुआ कि भ्रष्टाचार किया, फिर भी उसके बाद वो बोल रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। तेजस्वी यादव के द्वारा जदयू का नामकरण करने पर भी ललन सिंह ने कहा है कि उनको गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नामकरण करेंगे, जदयू बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी के पिता के विरासत से नहीं बना है, और तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने पिता के विरासत से उनको गद्दी मिली है, तभी वो इतना बोल रहे हैं, और उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा के चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इस पर ललन सिंह ने कहा है कि सब के सब सीट हम लोग जीतेंगे।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।